सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार 18 साल बेमिसाल की नारे देती हुई अब विदाई हो रही है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी है उसकी चर्चा आज पूरे देश में, ऐसी सरकार की अब विदाई जनता करने के लिए तैयार है। सुरेश शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2023 में सपाक्स पार्टी पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश को खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करेगी। सरकारी भर्ती जो शिक्षा में पूरी तरह चरमरा गया, पिछले 18 साल से भाजपा सरकार जो है कोई भी वर्ग रोजगार नहीं दे पाई। देखिए, मध्य प्रदेश में 18 सालों में बीजेपी की सरकार है। भर्ती हुई कहां है? भर्ती एक करने का एक कोई उनके पास ऐसा कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दे पाए। केवल घोषणाओं के अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ मध्य प्रदेश में किया नहीं है। कल भी कुछ घोषणाएं की हैं, 5000 करोड़ कुछ की घोषणाएं की हैं। एक दिन में इतनी घोषणाएं कर दी, इतनी तो 18 साल में नहीं की। इसका ये मतलब होता है कि हम घोषणाएं करके जा रहे हैं, जो आएगा वो करेगा। मध्य प्रदेश में भर्तियों का घोटाला ले लो, आप नर्सिंग घोटाला ले लो। आज मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेके और स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा मध्य प्रदेश में 10,000 स्कूल बंद हो गए, 2700 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है, 4200 स्कूलों में एक टीचर है, और कहीं टीचर हैं तो वो ड्यूटी पे नहीं है, तो भर्ती तो हो ही नहीं है, उनको रोजगार देना नहीं है। और मध्य प्रदेश में इन सभी मुद्दों को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, न्याय को लेके, और भ्रष्टाचार तो एक चरम सीमा पे है। किसी भी काम के लिए मध्य प्रदेश में जाइए, बिना भ्रष्टाचार के कुछ भी संभव नहीं है। आज बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। सपाक्स पार्टी इन सब मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रही है। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की बात करती है। एक शिक्षा होनी चाहिए प्रदेश में, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, न्याय फ्री होना चाहिए। स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आदमी को, जिस तरीके से आज कल हमने देखा कि एक लड़की का बलात्कार हुआ परसों, आप ये विडंबना देखिए, उसको अपनी जांच कराने के लिए 4 से 5 घंटे लग गए, जबकि वहां पर महिला पुलिस के साथ में गई। तो इसी से पता होगा कि मध्य प्रदेश में अपराधों की संख्या कितनी होगी। ऐसा सुबह जब उठते हैं तो देखता हूं कि पेपर अपराधों से भरा हुआ। ये मध्य प्रदेश की सरकार है। रही देखो, सपाक्स पार्टी पिछली बार 1 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हो सका तो 230 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अपने मुद्दों पे, जो सपाक्स के मुद्दे पे जो चुनाव व्यक्ति लड़ेगा, उसी को हम चुनाव मैदान में उतारेंगे। बिल्कुल उतारेंगे हम, तो युवाओं को उतारना है, हमें वरिष्ठ नागरिकों को भी उतारना है, पेंशन वाली जिनके नहीं हुए, जो लोग शिक्षा कर्मी हैं उनमें से भी कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं कि साहब हमें भी चुनाव लड़ना है। महिलाएं भी आ रही हैं, क्योंकि महिलाएं कह रही हैं कि हमें तो 1,000-1,200 रुपए देते रहे लेकिन रोजगार नहीं दे रहे। भैया, तुम्हें तो रोजगार चाहिए जिससे हमारे घर का पालन पोषण हो सके। ये 1,000-1,200-1,300 रुपए में क्या होगा? कब तक हम फ्री में खाएंगे और कब तक ये देंगे? हमें उन पर विश्वास ही नहीं है कि ये 1200 रुपए भी देंगे, क्योंकि पहली वृद्धा पेंशन जो थी वो बंद कर दी, जो 300-600 रुपए का मिल रहे थे कोरोना पीरियड में बंद कर दी, अब दोबारा चालू करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब व्यक्तियों का विश्वास बीजेपी पे उठ चुका है, जब कोरोना पीरियड में
लोगों को जरूरत थी कि 450 रुपए में 500 रुपए में सिलेंडर देना चाहिए, वो सिलेंडर अब दे रहे जब उस समय 1150 में था। जब लोगों को, जनता मतदाताओं को, जनता को सरकार की जरूरत थी तब सरकार ने उस तरीके से प्रताड़ित किया उन लोगों को कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो किस मुंह से वो जनता को वोट मांगने जा रहे हैं, और उनके पास क्या ऐसा कोई है जो इनको जनता वोट दे? वो कांग्रेस के पास क्या ऐसा है जो कांग्रेस को वोट दे? क्यों विपक्ष भी वैसी भूमिका निभा रही है? जब वो 1.5 साल सरकार में थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम युवाओं को, बेरोजगारों को 4000 रुपए देंगे, और सवा 1.5 साल में उन्होंने कहीं उसकी कोई भनक नहीं लगी। तो जनता दोनों पार्टियों को नकार चुकी है, मतदाता नकार चुके हैं। अब तीसरे विकल्प के रूप में सपाक्स पार्टी भर के आई है, और सपाक्स पार्टी को जनता चाहती है कि सपाक्स पार्टी इसमें सत्ता में आए और सहयोग करे जनता का।